बेसिक इलेक्ट्रिक में मैंने यौगिक तत्व बता दिया है और आज मैंने स्टार्ट किया है मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं? बोला जा रहा है कि दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों का एक निश्चित अनुपात भौतिक रूप से मिला देने पर बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। तो भौतिक रूप से जो पदार्थ हम एक दूसरे को मिलाते हैं उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहलाता है। मिश्रण के अवयव को भौतिक विधियों से पृथक किया जाता है। जैसे मिश्रण जो है, कोई भी दो प्रकार के मिश्रण है, उसको भौतिक रूप से दोनों क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। और इसमें क्या कहा, जबकि यौगिक मतलब जो जो यौगिक है मिश्रण जो है ना, उसको भौतिक रूप से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। और जो यौगिक है ना, उसको रासायनिक विधि से क्या करेंगे? अलग कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों, परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर। लिखा गया है यह एक मूलतः प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। परमाणु की संरचना हमारे सौर मंडल से मिला जुला रहता है। सौर मंडल का केंद्र सूर्य, इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं यानी कि विभिन्न कक्षाओं परिक्रमा यानी चारों ओर की परिक्रमा करती है। जैसे इसमें आता है जो हम लोग जिसके जिसके अंदर वो परिक्रमा करती है, तो कौन कौन से आते हैं ग्रह? देखिए शुक्र हो गया, बुध हो गया, जो क्या होता है पृथ्वी की ओर क्या करती है? परिक्रमा करती है। मंगल भी क्या करती है? पृथ्वी की ओर क्या करती है? परिक्रमा करती है। यह ग्रह क्या करता है? परिक्रमा करती है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक परमाणु एक केंद्रीय संघर्ष भाग होता है जो नाभिक कहलाता है। इसके चारों ओर भिन्न कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। अब आइए दोस्तों, हम जानते हैं नाभिक यानी इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसमें क्या करते हैं कि प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन से बना होता है। मैंने इसको शॉर्ट में लिखवाया है नाभिक के बारे में कि प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन से बना होता है, जिसमें विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न संख्याओं में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। इसमें क्या करते हैं नाभिक में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। और ये दोस्तों कहते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन कह रहा है कि प्रोटॉन सभी रूपों में समान होते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं? सभी रूपों में क्या होते हैं? समान होते हैं। यह कण नाभिक के अवयव में रहते हैं और किसी प्रकार में गति नहीं करते हैं। मतलब कि जो जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के अवयव में अवस्थित रहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं ना कि एक ही जगह अवस्थित होकर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। जैसे लट्टू हम लोग नचाते हैं तो लट्टू नाश्ता जरूर है, लेकिन एक ही जगह क्या होता है? वो नाश्ता है। किसी किसी के केस में जैसे जो हम लोग लट्टू नचाते हैं कि चारों ओर घूमता है, लेकिन ये जो प्रोटोन है जब हम लोग लट्टू की तरफ क्या करता है? वो एक ही जगह स्थित होकर क्या करता है? परिक्रमा करता है। इसमें एक प्रोटोन यानी कि एक प्रोटोन कितने उलान आवेश के बराबर होता है? तो एक प्रोटोन बराबर होता है 1.6×10⁻¹⁹ उलान आवेश के बराबर होता है। इसमें कह रहा है क्या है कि प्रोटॉन जो है ना, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, ये कह रहा है ना कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से इससे क्या है 1845 गुना ज्यादा है। समझ में आया होगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।